प्रदेश में बड़े आयकर विभाग के छापों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पीसीसी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की छवि खराब करने की साजिश की थी, जो असफल साबित हुई। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों आयकर छापे में करीब 281 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है, तो वहीं आयकर विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश में एक संगठित रैकेट ने लोक सेवकों, राजनीतिज्ञों और कारोबारियों से 281 करोड़ रुपए नकदी इकट्ठा की थी। तो वहीं सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ का दावा है कि आयकर की टीम को मेरे पास से या मेरे बेटे के पास से कोई अवैधानिक संपत्ति नहीं मिली है। तो वहीं उनके इस बयान के बाद युवा कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडा कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नौजवान बोले हाय 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 हाय। अरे मोदी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। काला धन लौटा न होगा, लौटा न होगा, लौटा न होगा। अमित शाह काला धन लौटा न होगा। युवा कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की है। इनकम टैक्स के अधिकारी शिवराज सिंह चौहान के घर अमित शाह के घर क्यों छापा नहीं मार रहे हैं? तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे न्याय व्यवस्था हो, कोर्ट में जो जज लोगों को न्याय देते हैं, न्याय की गुहार करते पाए गए, सीबीआई को तोता बनाया गया, अलग अलग सभी जितनी संस्थाएं थी, अभी आईटी सेक्टर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्होंने तोता बनाने का काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमित शाह के बेटे की संपत्ति 50,000 से 80 करोड़ हुई, तब जाके इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिखा। 1,000 से ज्यादा करोड़ के संपत्ति का लेन देन येदुरप्पा के डायरी में दिखाई दिया, तब इनको नहीं दिखाई दिया इनकम टैक्स वालों को। चाहे सिंधिया जी का बेटा और राजस्थान के मुख्यमंत्री का दुष्यंत सिंधिया, उसके लेन देन में अपराध अपर्ति, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सही तरीके से दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की रेट डालने का काम इनकम टैक्स के माध्यम से, दबाव की रणनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जो तानाशाह मोदी है वो कर रहा है। आपका छोटा भाई ईमानदार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ आयकर का छापा क्यों नहीं करा? हम इंतजार कर रहे हैं नौजवान साथी। करोड़ों रुपए की दलाली में लिप्त आज अश्विनी शर्मा ने भी कहा कि वो बीजेपी का एजेंट है। मैं कहना चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए उन 15 वर्षों में किन किन मुख्यमंत्री से, किन किन अधिकारियों से, किन किन मंत्रियों के माध्यम से अरबों रुपए की संपत्ति आई। आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से व्यापम घोटाले की जांच आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि केंद्र की जांच में अड़चन कर रहे हैं। जब यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, जांच हो रही थी, सीबीआई मांग पूरे दस्तावेज नष्ट कर शिवराज सिंह चौहान आज सौ चूहे काके बिल्ली हज को चलने की बात करती है। हम तो कहते हैं सबकी जांच होनी चाहिए और शुरुआत होनी चाहिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, शुरुआत होनी चाहिए 15 वर्षों से और येदुरप्पा के घर से, शुरुआत होनी चाहिए अमित शाह के लड़के से। कुल मिलाकर आयकर छापों की आज भी सियासी तपन महसूस की जा रही है। एक और भाजपा इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाते हुए चुनावी रैलियों में भुनाने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर द्वेष्टापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए खुद को पाक साफ साबित करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।